खुशी में बहुत कुछ छुपा है, और खास करके आज की जवानी, नौजवान, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं आप, सारे नहीं पर जो नशे में डूब गए। बेटा हमें एक बात का जवाब दे दो, जैसे जवान आप हैं, तंदुरुस्त थे, या अपने देश में ही देख लीजिए कितने बच्चों ने नाम रोशन किया है, ओलंपिक में भी क्या क्या कर दिखाया, पूरे वर्ल्ड में नौजवान बच्चे कर रहे हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी जवान हैं, आप में भी वैसा ही है, लेकिन वो टैलेंट को आप उभरने नहीं देते और नशे में डूब जाते हैं। हमें बस एक बात का जवाब चाहिए, क्या आपका नशा दोबारा से वैसे शरीर दे देगा जैसा पहले था? जी नहीं। तो धर्म कहते हैं भगवान से मांगो स्वस्थ काया, पर आपने तो भगवान को ही साइड में कर रखा है और अपनी काया को आग लगाए जा रहे हो। बेटा जी तब तक ही खुशी है जब तक शरीर चल रहा है। आपने क्या देखा नहीं अपने बुजुर्गों को, दादाजी को, या आपके फादर साहब को, या किसी को भी, चार पाई पे पड़े हुए लाचार, पानी मांगते हुए, उनको लैट्रिन बाथरूम करवाते हुए, आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा ना। तो आप चाहे जवानी क्यों ना हो, जब तक ये बॉडी चलती है बच्चे, तब तक ही सलाम है, नमस्कार है, और जब ये चार पाई पे पड़ गई तो जो तेरे अपने है ना, वो भी कोने में खाट डाल देंगे, लाचार हो जाएगा, अपंग हो जाएगा। क्यों कर रहा है ऐसा? किसी और के लिए मत कर, कम से कम अपने शरीर के लिए तो सोच ले। तो जरूर सोचो बच्चों। आप सबसे गुजारिश है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मत करो नशा, बर्बाद कर देगा। कौन सी दवाई है छुड़वा देती? फिर वहीं भी बात, गुरु मंत्र। हमें कैसे पता है? 6 करोड़ का छुड़वा दिया, आपका क्यों नहीं छूटेगा भाई? हमने नहीं छुड़वाया, उस गुरु मंत्र ने, उस राम ने, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु ने।